हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। सारे लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अपना रक्षाबंधन कैसे मनाया, क्योंकि शायद ये ब्लॉग एक दो दिन बाद ही जाए, तो इसीलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सो फ्रेंड, अभी हम लोग हो गए हैं तैयार, टाइम हो गया है, एक बज गया है, मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, तो टाइम एक हो गया है और हम लोग सारे लोग हो गए हैं तैयार। चलते हैं मायके, क्योंकि ससुराल में हमारे तो भाई भाई फोटा होता है, यहाँ रक्षाबंधन नहीं होता है, मायके में मेरा रक्षाबंधन होता है, तो वहीं चलते हैं। और धूप मत पूछिए, बहुत ही ज़्यादा धूप है। तो मैं आज पहन ली हूँ साड़ी, जो मैं शादी में गई थी ना, तो मुझे यही साड़ी मिला था, बहुत हल्का है, बहुत लाइट वेट है, तो मैं सोची चलो इसी को पहन लेते हैं, और बहुत हल्का है इसलिए, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही ना कि मैं क्या पूछूँ। तो चलिए चलते हैं, और आप सभी के साथ जो थोड़ा बहुत होगा क्लिप शेयर करते हैं, क्योंकि मायके में मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, तो जितना भी हो सकेगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, हाँ अच्छा, फिर इस्लामी वहीं पर है। कहाँ? नानी घर। नानी घर, अच्छा वीडियो ही बनाने भूल गए। बुगु बुगु बुगु, पाउडर देखे कैसे लगा रहे हैं? राखी बांधना है कैसे? काला नहीं पहन के राखी बांधना चाहिए। सो फ्रेंड, चलिए चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, यानी कि अपने मायके। मेरे ससुराल से मायके का दूरी सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। तो आज तो हमारी वेट लॉस 30 डेज वेट लॉस चैलेंज का था 29वां दिन। एक दिन मैं मिस कर गई थी, या तो उस दिन मैं कोई भी ब्लॉगिंग वगैरह नहीं की, तो इसीलिए उस दिन को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट राखी वाला ही दिन को काउंट कर रही हूँ। तो बस ये 29वां दिन है और हम आ गए हैं अपने मायके राखी बांधने के लिए। आते के साथ यहाँ पर सबसे पहले थाल वगैरह जो सजाना था सभी को सजा लेते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं और सारे बच्चे जितने हैं वो लोग ना अपनी अपनी राखियाँ चूज़ करते हैं, उसके बाद ही वो लोग बांधते हैं, और साथ ही मिठाइयाँ भी चूज़ करते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कई प्रकार की मिठाइयाँ भी रखी हुई है, जिसका जो मन करता है वो खाते हैं। उस वक्त मुझे भी खाने मिल रहा था, मेरा मन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ तो मेरा मन हो रहा है। चलिए आपको आज मैं मिलवाती हूँ अपनी मम्मी से। तो जो मेरी पीछे आ रही हैं वो मेरी मम्मी है, और साथ ही ये ग्रीन साड़ी वाली मेरी भाभी है, येलो साड़ी वाली मेरी दीदी है, छोटी वाली भाभी अभी कुछ काम कर रही थी तो इसीलिए उनको नहीं दिखाई हूँ, आएंगी वो भी व्लॉग में, उनसे भी मिलवाऊँगी मैं। हालाँकि मैं फ़ेस टू फेस बात नहीं करवा पाती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ इस तरीके से ही वीडियो बना के मैं आप सभी से उनको ज़रूर मिलवाऊंगी। तो चलिए राखी बांधना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था और मैं और मेरी मिस्टी को लग गया था भूख, क्योंकि हम लोग भूखे ही थे, साथ ही हमारी छोटी भाभी भी भूखी थी, तो हम लोगों को लग गई थी भूख, टाइम भी हो गया था ना, तो इसीलिए सबसे पहले बच्चों से ही बंधवा दी मैं कि चलो ये लोग बांध लेंगे तो कुछ खा भी सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों, ये मेरी भतीजी है और मिष्टी है, और ये येलो सेट वाला जो है वो मेरी दीदी का बेटा है, बाद बाकी सोनू है, और उसके बाद जो भी हैं सारे मेरे भतीजे हैं। तो चलिए आज मैं आप सभी के साथ लगभग सारे फैमिली मेम्बर को मिलवा ही दी हूँ। छोटे भैया भी हैं, भाभी भी हैं, उनसे भी मिलवाएंगे, लेकिन अभी बड़े भैया नहीं हैं, उनसे मैं नहीं मिलवा पाऊँगी, लेकिन क्योंकि वो आज नहीं है, पिछले राखी पर वो थे लेकिन इस बार वो नहीं है। तो चलिए देखिए
रुमाल नहीं मिला इसको मम्मी सबसे ज्यादा हम दीदी अरे तो राखी नहीं बांधे अभी लिसा पता चल रहा बहुत अंदर से कमजोर है हाथ बहुत थर थरा रहा है तो बच्चों का हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी राखी बांधने के लिए। तो बड़े भैया मेरे नहीं थे, वो ट्रक ड्राइवर है तो उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाया, जिसके वजह से वो नहीं आ पाए। तो मेरा छोटा भाई था, यानी कि मेरे से छोटा नहीं है, मेरे से मैं घर में सबसे छोटी हूँ। मेरे दो भैया हैं, फिर दीदी है, उसके बाद मैं हूँ। तो ये छोटे वाले भैया थे, उन्हें राखी बांध रही थी। और भाभी को मैं टान कर लेके आ रही हूँ, उसका मतलब वो मुझसे नाराज़ नहीं है। एक्चुअली हस्बैंड वाइफ में उन लोगों में कहा सुनी हो गई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को गुस्सा ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर हस्बैंड का यही है कि वो गुस्सा कर ही देते हैं अपनी अपनी वाइफ को। तो बस इसीलिए भाभी थोड़ी सी नाराज़ थी, इसीलिए उन्हें पकड़ कर लेकर आई। मतलब बात करना भी चाह रहे हैं, बात नहीं भी करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा था। तो सबसे पहले तो इन लोगों को मैं बांध देती हूँ। और आप लोग, बहुत सारे लोग हमारे कहते थे कि आप मैके नहीं जाती हैं, तो देखिए डियर, मैं मैके जाती हूँ, लेकिन हाँ बहुत कम जाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि साल में सिर्फ राखी बांधने ही जा पाऊँ, तो हो जाता है ऐसा संजोग, पता नहीं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके मायके सामने हो तो आप लोग हमेशा जाएं ही, या फिर ज़रूरी नहीं है कि जिनका मायके दूर होता है वो सिर्फ साल में ही आते हैं। संजोग बस बन जाता है जिसका जैसा होता है उस तरीके से। तो चलिए यहाँ पर फटाक से मैं राखी बांध लेती हूँ। उसके बाद फिर भाभियों का भी भाई आए हुए थे, उन लोगों का भी राखी बांध रही है। तो देख रहे हैं ना, दोनों हंस भी रहे हैं, पता नहीं कैसा वाला गुस्सा है, दोनों में हंस भी रहे हैं और गुस्सा भी कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो बस बड़ी भाभी का, छोटी वाली भाभी का हो गया था, उसके बाद फिर बड़ी वाली भाभी को राखी बांध देते हैं। आज अकेले बांध रहे थे ना, अच्छा भी नहीं लग रहा था, भैया रहते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम है तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए बस फटाफट यहाँ पर उन्हें भी राखी बांध लेंगे, और उसके बाद फिर से बच जाएंगे हमारे मामा जी। अभी मामा जी नहीं आए हुए थे, वो भी काम करते हैं, तो सभी का होता है ना, काम में सारे को हो ही जाता है, सभी को देर उर हो जाता है। तो मामा जी करीब शाम में आए थे, 5 या 6 बजे मामा जी आए थे। सबसे लास्ट हमारे घर में जो राखी बांधी थी वो हमारी मम्मी थी। तो देख लीजिए, ये हमारे मामा जी हैं, बगल में मेरे पापा हैं, और मम्मी को तो मैं आप सभी को दिखाई ही, छोटे भैया भाभी सभी को दिखा दी, सारे परिवार से मैं आज मिलवा दी हूँ। क्या होता है ना कि मैं मायके आती हूँ तो ब्लॉगिंग मुझे करना उतना अच्छा नहीं लगता है, सच पूछिए तो। इतने साल बाद मुझे एक्सेप्ट किया गया था ना, तो जिसकी वजह से ना वो झिझकपन जो होती है ना, वो थोड़ा सा डर जो होता है वो मेरे में ना अभी तक बरकरार है इसीलिए। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, सासू माँ अपने दामाद को मिठाइयाँ खिला रही है, तो फिर राखी
राखी बांधने के बाद हम लोग सारे लोग खाना पीना खा करके आ गए थे घर, क्योंकि मेरी जो ननद लोग थी वो अपने घर जा रही थी, इसीलिए जल्दी जल्दी करके आ गए। और यहाँ पर हमारे तीनों क्यूट क्यूट से भगना। तो चलिए आज का ब्लॉग भाई यहीं तक रहने देते हैं। आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और साथ ही आप सभी की राखी कैसी गई वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग।